हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के जीपैक क्वेश्चंस के बारे में, विच आर एसोसिएटेड विद फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। मैच द लिस्ट वन ड्रग्स विद लिस्ट टू विद देयर क्लासेस। अब लिस्ट वन के जो ड्रग्स हैं उन्हें हमें मैच करना है लिस्ट टू के साथ, जैसे कि अनाकिंद्रा, बसलिक्सिजिमा, इन्फ्लिक्सिमाब, टैक्रोलाइमस। अपोजिट में है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, एमटोर इनहिबिटर और इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज 1 इज कनेक्टेड टू टी अनाकिंद्रा, it is a interleukin 1 receptor antagonist. Second is connected to P, bosliximab, it is interleukin 2 receptor antagonist. Infliximab, it is a tissue necrosis factor alpha inhibitor and tacrolimus is calcineurin receptor inhibitor. So, ये जो pairing थी, anakinra, bosliximab, infliximab and tacrolimus, इनके subsequent classes को हमें match करना था. But यहाँ पे एक चीज जो है, mTOR inhibitor, वो क्या होता है? उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सीरोलाइमस, एवरोलाइमस एंड टेम्सिरोलाइमस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच आर एमटोर इनहिबिटर। बट एमटोर क्या होता है? मैमिलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन। एमटोर इज मैमिलियन टारगेट ऑफ रैपामाइसिन विच इज अ प्रोटीन काइनेज। ये बेसिकली एक एंजाइम है विच रेगुलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स। इसका मेन काम है ग्रोथ फैक्टर्स को कंट्रोल करना, विच स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ एंड एंजियोजेनेसिस। ये क्या करता है? सेल की ग्रोथ को प्रमोशन करेगा। दूसरी चीज, एंजियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? सिंथेसिस ऑफ ब्लड वेसल, जहां पे नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट्स, जैसे कि कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर साइक्लोस्पोरिन, एमटोर इनहिबिटर सीरोलाइमस, एंटी प्रोलिफेरेटिव ड्रग्स अजाथियोपिन, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स प्रेडनिसोलोन, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा अनाकिंद्रा, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बसलिक्सिजिमाब टैक्लिजुमाब, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंटी थायमोसाइट एंटीबॉडी, एंटी CD3 एंटीबॉडी अनाकिंद्रा बसलिक्सिजिमाब डैक्लिजुमाब एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है न्यूरोमोनाब CD3। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स की जो हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए सप्रेस कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर। इनमें से कौन सी ट्यूमर है जो कि मैलिग्नेंट टाइप में आती है? ऑप्शन ए लिपोमा, ऑप्शन बी एडेनोमा, ऑप्शन सी मेलानोमा, ऑप्शन डी ऑस्टियोमा। करेक्ट आंसर इज ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा एक मैलिग्नेंट टाइप की ट्यूमर है। अब मैलिग्नेंट एंड बिनाइन, ये दो ट्यूमर के बीच में क्या फर्क होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस होती है, विच इज फास्ट ग्रोइंग एंड वो जानलेवा हो सकती है। इसके इररेगुलर बाउंड्रीज होते हैं और ये आजू बाजू की जो टिश्यू है उनको भी डिस्टर्ब करता है। बट जो बिनाइन ट्यूमर है वो एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, उसकी डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, ग्रोथ स्पीड जो होता है वो स्लो होता है एंड लिमिटेड होता है। तो मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर का एग्जाम्पल है ऑस्टियोमा, सो विच इज कनेक्टेड टू योर स्केलेटल सिस्टम। दिस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द सिस्टम ऑपरेट्स टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए कौन सा सिस्टम अवेलेबल है? ऑप्शन ए एसिटेट बफर, ऑप्शन बी द लाइसिस बफर, ऑप्शन सी द पोटेशियम सीट्रेट और ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। तो ब्लड का पीएच मेंटेन रखने का काम इनमें से कौन सा केमिकल करेगा? द राइट आंसर इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रखता है।
मेन बफर विच इज इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड पीएच इज कार्बोनिक एसिड। उसी के साथ अदर भी है जैसे कि बाइकार्बोनेट्स, हिमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट्स। तो मेन जो रोल है वो हमारे कार्बोनिक एसिड का है। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर हम बाकी के बफर्स की बात करें तो एसिटेट बफर कुछ ऐसा दिखता है। सेकेंड वन इज पोटेशियम सिट्रेट बफर विच इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड एंड द लाइसिस बफर। इसका मेन काम होता है विच इज यूज फॉर ब्रेकिंग ओपन सेल्स, ओपन सेल्स को ब्रेक करना ताकि उसके अंदर के कंटेंट को हम स्टडी कर सके। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ लाइसिस बफर। वैसे तो अलग अलग ब्लड फ्लूड बॉडी फ्लूड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उनके कौन कौन से बफर सिस्टम को हम यूज करेंगे। जैसे कि ब्लड, इसके अंदर बफर सिस्टम है बाइकार्बोनेट्स, प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। अगर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड की तो बफर सिस्टम है बाइकार्बोनेट, एंड इंट्रासेलुलर फ्लूड की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट बफर। तो ये कुछ बफर सिस्टम्स है जो मेनली हम बॉडी फ्लूड के अंदर डिटेक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर वॉज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन ड्रग्स विद लिस्ट टू विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि डीपीपी फोर इनहिबिटर, कैट चैनल ब्लॉकर, पीपीएआर गामा एक्टिवेटर और एएमपीके एक्टिवेटर। अपोजिट में है मेटफॉर्मिन, योग्लिटाजोन, ग्लिमेपिराइड, सिटाग्लिप्टिन एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब इसे मैच करने के लिए जो ऑप्शंस है वो कुछ ऐसे हैं। डीपीपी फोर इनहिबिटर इज एस सिटाग्लिप्टन, कैट चैनल ब्लॉकर इज ग्लिमेपिराइड, पीपीएआर गामा एक्टिवेटर इज योर पियोग्लिटाजोन एंड एएमपीके एक्टिवेटर इज मेटफॉर्मिन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसका क्लासिफिकेशन ध्यान से देखोगे तो सी बाइगोनेट्स एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन विच इज एएमपीके एक्टिवेटर, थायाजुलिडिन डायोन्स पीपीएआर गामा एक्टिवेटर पियोग्लिटाजोन, डीपीपी फोर इनहिबिटर सिटाग्लिप्टन एंड सल्फोनिल यूरिया विच इज द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एग्जाम्पल इज ग्लिमेपिराइड। तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है उनके क्लासिफिकेशन में ही मोड ऑफ एक्शन दिया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे आपको पूछा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ड्रग्स के साथ मैच करना है। तो सिंपल था, हमारा वन जो है डीपीपी फोर इनहिबिटर इसे मैच किया है एस के साथ विच इज अ सिटाग्लिप्टन। सेकेंड इज मैच्ड विद आर कैट चैनल ब्लॉकर विच इज ए ग्लिमेपिराइड। थर्ड इज मैच्ड विद क्यू दैट इज पीपीएआर गामा एक्टिवेटर पियोग्लिटाजोन एंड फोर इज मैच्ड विद पी एएमपीके एक्टिवेटर इज मेटफॉर्मिन। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कौन से प्रोटीन के कारण या इनमें से कौन से एजेंट के कारण पॉसिबल होती है। ऑप्शन ए एंटीजेंस ऑन आरबीसीज, ऑप्शन बी एमएससीज ऑन डब्ल्यूबीसीज, ऑप्शन सी एमएससीज ऑन आरबीसीज और ऑप्शन डी एंटीजेंस ऑन डब्ल्यूबीसीज। तो ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंटीजेंस ऑन आरबीसीज। आरबीसीज के बॉडी के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा है। वैसे ये जो एमएससीज है वो क्या होते हैं, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इट इज अ सेल सरफेस मॉलिक्यूल दैट रेगुलेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स है जो डब्ल्यूबीसीज के ऊपर होते हैं और इनका डब्ल्यूबीसी टू डब्ल्यूबीसी इंट्रैक्शन करने के लिए मदद होता है। मतलब एमएससीज आपको हेल्प करेंगे एक डब्ल्यूबीसी को दूसरे डब्ल्यूबीसी से कनेक्ट करने के लिए। बट एंटीजेंस जो होते हैं आरबीसीज के ऊपर ये एक्चुअल में हमें मदद करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स को पहचानने के लिए। तो अगर कोई गलत एंटीजन वाला ब्लड किसी पर्सन को दे दिया तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है विच इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो आप बी वाले को नहीं दे सकते, सिंपल सी चीज है।
ए वाले को आइदर ए का दे सकते हो और ओ का दे सकते हैं। अगर बी का आपने दे दिया तो वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी। दैट्स व्हाई ब्लड ग्रुपिंग पहचानने के लिए आपको आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजेंस है उन्हें समझना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज टू। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करने के पीछे क्या पर्पज होता है? ऑप्शन है, गेट द अप्रूवल टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, टू गेट द अप्रूवल फॉर न्यू केमिकल एंटिटी, टू गेट द अप्रूवल ऑफ जेनेरिक्स, और टू गेट द अप्रूवल फॉर एनिमल स्टडीज ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू गेट द अप्रूवल ऑफ जेनेरिक्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, द पर्पज ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड एफडीए रिव्यूअर एडिक्वेट डेटा टू एंश्योर सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग लेबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको ये फैसिलिटी देता है कि एफडीए आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करे फॉर द सेफ्टी एफिकेसी ऑफ द ड्रग लेबलिंग कंडीशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वो जो पेटेंट एक्सपायर हो चुका है अब वही फॉर्मुलेशन आप बनाना चाहते हो अपने लेबोरेटरी में, क्योंकि उसके पेटेंट राइट्स अभी खत्म हो चुके हैं। तो अभी वो ड्रग जेनेरिक्स में आने वाला है तो उसके लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी होता है ताकि एफडीए आपके कंपनी को रिव्यू कर सके कि उस मेडिकामेंट को आप ठीक से बना पाओगे या नहीं। सो एनडीए एप्लीकेशन इज द व्हीकल थ्रू विच ड्रग स्पॉन्सर्स फॉर्मली प्रपोज दैट द एफडीए अप्रूव अ न्यू फार्मास्यूटिकल फॉर सेल एंड मार्केटिंग। मतलब जो पेटेंटेड प्रोडक्ट अभी एक्सपायर हो चुका है तो उसका जेनेरिक वर्जन अगर आपको मार्केट में लॉन्च करना है तो आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करना कंपलसरी होता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पैरामीटर फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग इंटरेक्शन में आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजंस फॉर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। इनमें से वो कौन से पैरामीटर्स है जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? ऑप्शन है, इंटरफेरेंस विथ एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन सी कॉम्पिटिशन एट रिसेप्टर साइट, और ऑप्शन डी इंटरफेरेंस विथ रीनल एक्सक्रीशन। तो क्या लगता है आपको, प्रोटीन काइनेटिक सॉरी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन करने के लिए इनमें से कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? इसका सिंपल सा आंसर है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो हमारे पास दो ऑप्शंस तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। अब बचता है मेटाबॉलिज्म, राइट, मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट आंसर देखने से पहले ऑप्शंस भी देख लो, ए एंड बी एंड सी ओनली नॉट द डी, ए बी एंड डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली और सी ओनली। तो इनमें से कौन सा स्पेसिफिक रीजन है जो फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है? द राइट आंसर इज ए सी एंड डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, विच इज कनेक्टेड टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन। चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग ये कॉन्सेप्ट आपका फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन में नहीं आता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स विद देयर सिग्निफिकेंस। जैसे कि फेज 1, फेज 0, फेज 3, फेज 4, इनको आप किसके साथ मैच करोगे? ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। अब मैं आपको हिंट देता हूं, फेज 0 इज कनेक्टेड टू माइक्रोडोसिंग। तो टू क्यू से कनेक्शन किसके पास है? दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अब फेज 4 जो है वो है पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस। 4 का कनेक्शन पी के साथ कहां पे है? ऑप्शन बी, बस करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। तो फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है, एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल वाई। तो फेज 1 इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी स्टडी, फेज 2 इज थेरापेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, फेज 3 इज कॉल्ड एज
therapeutic confirmatory study. Phase 4 is post-marketing surveillance and phase 0 is microdosing study. तो ये जो पांच फेजेस है ये एग्जाम में उनके पर्पस के साथ पूछे जाते हैं, प्लस कहाँ पे हेल्दी वॉलेंटियर्स है एंड कहाँ पे डिसीज्ड पेशेंट है ये भी पूछा जाता है। फेज 0 एंड फेज 1 जो है यहाँ पे एक्चुअल में हम हेल्दी वॉलेंटियर्स को यूज करते हैं एंड फेज 2 फेज 3 फेज 4 वहां पे पेशेंट्स होता है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द सीएनएस एक्सॉन्स आर डन बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी जो एक्सॉन्स है उनका माइलिन कोट कौन करेगा? ऑप्शन ए श्वान सेल्स, ऑप्शन बी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ऑप्शन सी माइक्रोग्लिया, ऑप्शन डी एस्ट्रोसाइट्स। बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर का पार्ट है, तो मुझे तो लगता है ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन सही है। इट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट। इसका मेन काम होता है सीएनएस के एक्सॉन को माइलिन की शीथ प्रोवाइड करना है। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट मेनली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद करेंगे टू फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। बट अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पे श्वान सेल्स आपकी मदद करता है टू फॉर्म माइलिनेटेड एक्सॉन। तो एक्सॉन को माइलिन की शीथ देना श्वान सेल्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स दोनों का काम है। बट इसमें से श्वान सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्टिव है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्टिव है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पेरियोस्टियम ऑफ द बोन। बोन का जो पेरियोस्टियम होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट प्रोटेक्ट्स द बोन बाय असिस्टिंग इन फ्रैक्चर रिपेयर। ये हमारे बोन को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो फ्रैक्चर अगर हो जाए उसे रिपेयर कर सके। हैज ऑस्टियोजेनिक सेल्स विच एनेबल्स बोन टू ग्रो इन थिकनेस बट नॉट इन लेंथ। इसके पास कुछ ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं जो कि बोन्स की थिकनेस को बढ़ाएंगे, नॉट द लेंथ। इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर। इसका आउटर एंड इनर लेयर एक पर्टिकुलर टिश्यू से बना हुआ होता है और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आंसर सही है। पहला काम प्रोटेक्शन देना है, दूसरा थिकनेस को मेंटेन रखना है बट लेंथ को नहीं बढ़ाना है, तीसरा आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर, ये हमारे पेरियोस्टियम के मेन कंपोनेंट्स हैं। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज। इनमें से कौन सा फीचर है विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू कॉज द इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज? इंक्रीज एलडीएल, इंक्रीज एचडीएल, रिड्यूस्ड एचडीएल, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका डायबिटीज में कुछ भी रोल नहीं है। तो राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। अगर आपके बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बढ़ जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन घट जाता है या ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन बॉडी में प्रेजेंट है बट वो शुगर के यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं। इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन शुगर का यूटिलाइजेशन उसके प्रेजेंस में हो नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये जनरली बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर ऑफ सेल डेथ इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इनमें से वो कौन सा केमिकल है जो कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में मेनली आपको दिखेगा? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन काइनेज MB, ऑप्शन बी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ऑप्शन सी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी कार्डियक ट्रोपोनिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी
कार्डियक ट्रोपोनिन, ये स्पेसिफिक केमिकल आपको एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में ऑब्जर्व होगा। लाइपेज की अगर बात करें तो एक्यूट पैनक्रियाटिटिस में ऑब्जर्व होता है। क्रिएटिनिन काइनेज मेनली मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, स्केलेटल मसल इंजरी में आपको दिखेगा, बट स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक की अगर बात करें ना तो वो है कार्डिया ट्रोपोनिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फॉर्म्स? उसके टोटल तीन फॉर्म्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड 1, नाइट्रिक ऑक्साइड 2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड 3। ऐसे थ्री फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस बनता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन काम होता है यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएमपी पाथवे एंड वैसोडाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 14, वायबिलिटी एसिड आर असेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। वायबल सेल्स का आइडेंटिफिकेशन, उनकी कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, वो इनमें से कौन से मेथड के थ्रू आप फाइंड नहीं कर सकते। वायबल सेल्स मतलब जो सेल्स जिंदा है, इनमें से कौन सी मेथड है जो उन्हें काउंट नहीं कर सकती। ऑप्शन है एमटीटी, एमटीएस, रेसा ज्यूरिन ऐसे, एपोप्टोसिस ऐसे, एटीपी ऐसे और प्रोटीएज मार्कर ऐसे। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एपोप्टोसिस ऐसे। ये जो मेथड है ये वायबल सेल्स को काउंट करने के लिए यूज नहीं होती है। तो सेल वायबिलिटी मतलब कितने प्रोपोर्शन में लाइव हेल्दी सेल्स प्रेजेंट है विद इन अ पॉपुलेशन, ये फाइंड करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि टेट्राजोलियम रिएजेंट मेथड, रिसाज्यूरिन रिडक्शन मेथड, प्रोटीएज सब्सट्रेट जनरेटिंग अ फ्लोरोसेंट सिग्नल मेथड, ल्यूमिनोजेनिक एटीपी असे मेथड एंड नोवल रियल टाइम असे टू मॉनिटर लाइव सेल्स फॉर डेज इन कल्चर। तो कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो कि सेल्स की वायबिलिटी चेक करते हैं, बट इसमें जो ऑप्शन दिया है एपोप्टोसिस असे, एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो ये जो ऐसे मेथड है ये वायबिलिटी काउंट के लिए यूज नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये थे कुछ 14 क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट।